Hello students, in class 8 biology, today I am going to teach you the role of leguminous plants in increasing the nitrogen content of the soil. In this topic, just I will tell you how the leguminous plants is responsible for increasing the nitrogen content in the soil. Let us start. Plants like the pea, beans, soybeans are known as the leguminous plants. Plants jaise ki pea hai, matar, same, soybean, ye leguminous plants kehlate hain. Ya hum dusre shabdon mein keh sakte hain ki jitni bhi dalhani fasle hain वो लेगुमिनस प्लांट्स के अंतर्गत आती हैं, जिनसे हम दालें प्राप्त करते हैं. देयर एबिलिटी टू फिक्स द गैसियस नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजिनस साल्ट्स मेक्स लेगुमिनस प्लांट आइडियल एग्रीकल्चर ऑर्गेनिज्म. देयर एबिलिटी मैंने इन लेगुमिनस प्लांट की एबिलिटी होती है टू फिक्स द गैसियस नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का 78% हमारे एटमॉस्फेयर में है, उसी नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस साल्ट के रूप में फिक्स करना मिट्टी के अंदर. और ये फिक्स करने का काम लेगुमिनस प्लांट्स के द्वारा होता है, क्योंकि उस लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में कुछ एग्रीकल्चर ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे दस हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड. वे मदद करते हैं रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इस्तेमाल का को कम. फर्टिलाइजर्स फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट्स को जो फील्ड में हैं प्लांट्स उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट चाहिए, और उस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट चाहे हम फर्टिलाइजर्स के रूप में दें या जिस रूप में भी दें, लेकिन अगर लेगुमिनस प्लांट्स अगर हम लगाते हैं तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को कम देने की ज़रूरत होती है. दीज प्लांट्स हैव द रूट नोड्यूल्स ऑन देयर रूट, इन जैसे कि यहाँ दिखाया गया है रूट नोड्यूल्स इन लेगुमिनस प्लांट. इस प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं. हियर आई हैव शोन हियर रूट नोड्यूल्स एंड दैट आर एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया. यहाँ इसके साथ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और उस स्पेशल बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम. एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, और सिम्बियोटिक एसोसिएशन इज द लिविंग एसोसिएशन ऑफ द टू लिविंग थिंग इन ए क्लोज एसोसिएशन इन विच बोथ आर बेनिफिटेड. तो हियर द लेगुमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया बोथ आर इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन इन विच बोथ आर बेनिफिटेड एज द लेगुमिनस प्लांट्स प्रोवाइड द लिविंग प्लेस और होम टू द राइजोबियम एंड राइजोबियम जनरली फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इन विच द बोथ आर बेनिफिटेड. द राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इन टू द नाइट्रेट्स दैट कैन बी यूज बाई द प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में स्थिरीकरण कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और जो कि नाइट्रोजन का सोर्स है जिसका इस्तेमाल पौधे अपने बढ़ोतरी में करते हैं. बिकॉज द नाइट्रोजन इज रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इट इज ऑल्सो ए
building block of the amino acids, and amino acids are the building blocks of the proteins, and proteins are very essential for the plants as well as the animals. You already know about it, dear students. Leguminous plants can grow well even in the soil poor in the source of the nitrogen. Leguminous plant ग्रो करते हैं बहुत अच्छा से इन सॉइल पुअर इन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, जहाँ नाइट्रोजन का सोर्स नहीं भी या बहुत कम होता है, बहुत कम नाइट्रोजन वाले मिट्टी में भी लेगुमिनस प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करते हैं. सच प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड एंड आल्सो हेल्प द अदर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड. उस फील्ड में तो अपने ग्रो ही करते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, और दूसरे पौधों को भी मदद करते हैं टू गेट द सफिशियंट नाइट्रोजनस साल्ट, और उनको प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजनस साल्ट. आफ्टर ए लेगुमिनस क्रॉप इज हार्वेस्टेड, जब लेगुमिनस प्लांट की दलहनी फसलों की कटाई होती है, द रूट ऑफ दीज प्लांट लेफ्ट इन द सॉयल टू डीके, वो उनकी जड़ें मिट्टी के अंदर ही छूट जाती हैं और उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया रहता है, और यह नाइट्रोजन जो आगे लगाए गए प्लांट को फ़ायदा पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है, उसे दूसरे प्लांट अच्छा ग्रो करते हैं. दिस प्रोसेस इनरिचेज द सॉइल विथ नाइट्रोजनस कंपाउंड. यह प्रक्रिया क्या करता है, यह प्रक्रिया जिसको पहले हम लोग भी पढ़ चुके हैं, क्रॉप रोटेशन क्या करता है, इनरिच द सॉइल, मिट्टी को धनी बनाता है. किसका धनी, नाइट्रोजन कंपाउंड का धनी, एंड दैट कैन बी यूटिलाइज बाय द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्लांट इन द सेम फील्ड. और जो सेम ही फील्ड में उसी खेत में जो अगले जनरेशन में लगाए जाने वाले पौधे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है. देयर इज वन एक्टिविटी, प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर सेट होम, मैंने हाउ यू कैन प्रिपेयर ए मैन्योर सेट होम. टेक ए क्ले पॉट अबाउट 30 सेंटीमीटर इन हाइट, एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं जिसका 30 सेंटीमीटर हाइट होता है, एंड अबाउट 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर भी 30 सेंटीमीटर. प्रोवाइड ए होल एट इट्स बॉटम, इसके बॉटम में एक होल बना देते हैं, एंड प्लग इट विद द स्टोन इन सच ए वे दैट एक्स्ट्रा वाटर कैन बी ड्रेन, और ऐसे स्टोन लगा देते हैं ताकि जो अतिरिक्त पानी होता है वो ड्रेन कर जाए. एट सम सॉइल एट द बेस अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस, कुछ मिट्टी डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, उसके बॉटम में बेस में लगभग 2-3 सेंटीमीटर थिकनेस का. फिल द पॉट विद द ड्राई लीव्स, और उस पॉट को बर्तन को ड्राई लीव्स सूखी पत्तियों और फिर सब वेजिटेबल और फ्रूट से भर देते हैं, सब्जी और फल के छिलके से. व्हेन द पॉट इज 3/4 फुल, जब 3/4 भाग बर्तन का भर जाता है, तो कवर इट अगेन विद द सॉइल, मिट्टी से ढक देते हैं, एंड कीप इट इन ए शेडेड एरिया, और इसको छाया में रख देते हैं फॉर अबाउट 1 month, एक महीने के लिए. रिमेंबर टू स्प्रिंकल वाटर ऑन एवरी डे, ये ध्यान रखते हैं कि रोज़ उस पर पानी छिड़कते हैं. आफ्टर अबाउट 1 month, डिकम्पोजिशन बाय द बैक्टीरिया एंड फंजाई विल कन्वर्ट द प्लांट वेस्ट इन टू द मैन्योर्स. ये बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है, और जिसके द्वारा मैन्योर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड द प्रोसेस मेक टेक स्लाइटली लॉन्गर टाइम इन ए कूलर क्लाइमेट एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ. यह प्रोसेस क्या होता है, लगभग ज़्यादा समय लगता है जब कूलर क्लाइमेट होता है या जाड़े का मौसम होता है, जबकि गर्मियों के मौसम में ये डिकम्पोजिशन ठंडे की अपेक्षा फास्ट होता है. इन दिस वे डियर स्टूडेंट, जस्ट यू हैव स्टडी हाउ देयर इज ए ग्रेट रोल ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स इन फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड मेंटेन द
the nitrogen nutrients in the soil and increases the fertility of the soil. And second, how you can manure, prepare a manure at your home. That's about today from my side in class 8 biology. You like it and subscribe it.